हमारे एक एक बच्चे को उठा के साइड में ले जाके उनको थप्पड़ मारेंगे, उनको लाठियां मारेगी। अगर बच्चे उग्र होते हैं या कुछ भी होता है उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा, सिरसा प्रशासन जिम्मेदार होगा, सिरसा एसपी जिम्मेदार होगा। जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता हम यहाँ बैठे रहेंगे। अभी सिरसा जाम है, धीरे धीरे हम जितने भी नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे अप्रोच रोड उनको जाम करेंगे। थप्पड़ डांगा तके पुलिस जिन्ना नौजवाना ने पेश आ रही है। एक किसान ने सिरसा च अपने साथियों की रिहाई लई बाबा पूमन शाह चौक ते धरना दे रहे सन, पर पुलिस ने सुनवाई ना की। किसाना ने भी इकट्ठ होर वधा दिता ते फिर की सी, पुलिस ने किसाना नाल कुटमार शुरू कर दिती अते फिर हिरासत च लै लिया। पर किसान अड़े ने कि जे पुलिस ना मन्नी ता एक सड़क की पूरा हरियाणा जाम कर देंगे। रिहाई के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता हम यहाँ बैठे रहेंगे। अभी सिरसा जाम है, धीरे धीरे हम जितने भी नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे अप्रोच रोड उनको जाम करेंगे। धीरे धीरे हम पूरे हरियाणा को जाम करेंगे और पूरा हरियाणा यहाँ पहुँचेगा। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की गड्डी ते हमले के मामले च पांच किसानों नूं वीरवार तड़के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिस तों किसान खफा ने रिहाई की मांग कर रहे ने, पर छुड़वाउण आए किसानों नूं ही पुलिस ने उल्टा हिरासत च लै लिया। आज सुबह जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या कोई टेररिस्ट थे, वो आतंकवादी थे? हम रोजाना दिन में यहाँ होते, दिन में गिरफ्तार करो, सबके सामने करो, हम आपके सामने आए हैं करो। लेकिन सुबह माहौल खराब करने के लिए घरों में 5 बजे 4 बजे दबिश देकर, जैसे किसी अपराधी को, बहुत बड़े अपराधी को, जो पाकिस्तान या चाइना वाले को, भारतीय को टेररिस्ट है, उसे गिरफ्तार किया है, उस गिरफ्तारी की हम निंदा करते हैं। पूरे हरियाणा च किसान बीजेपी लीडरों का घिराव कर रहे ने। लंघे शनिचरवार 4 थावां ते लीडरां दा विरोध होया सी अते डिप्टी स्पीकर दी गड्डी नाल वी भन तोड़ हुई, पर पुलिस कार्रवाई तो नाराज किसानां दा रोह लगातार वधदा जा रहा है।